हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरि नाम प्रेस वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अवश्य शेयर करें। साधुवाद प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। जय श्री राधे, जय निताई। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज हम व्रज विभूति श्री श्यामदास जी, श्री हरिनाम प्रेस, श्री धाम वृंदावन द्वारा लिखित व दासाभास डॉक्टर गिरिराज नांगिया जी द्वारा प्रस्तुत व्रज के संत नामक ग्रंथ का पाठन प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ संक्षेप में इस ग्रंथ का परिचय इस प्रकार है। व्रज विभूति श्री श्यामदास जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री युगल सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम आदरणीय दासाभास डॉक्टर गिरिराज नांगिया जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम बहुत सौभाग्यशाली होने का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रंथ रत्न व्रज के संत आज हमारे हाथ में है और इसके पाठन का सौभाग्य इस किंकरी को मिला है। आइए इस ग्रंथ रत्न का थोड़ा परिचय, जो कि व्रज विभूति श्री श्यामदास जी द्वारा लिखित है, पहले इसका पाठन करते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा तब तक चलती है और विमुक्ति पदवी या मोक्ष पद भी तब तक कड़वा या तुच्छ नहीं लगता। तब तक लोक धर्म वेद धर्म की अव्यवस्थित रूप श्रृंखलाएं नहीं कटती और तब तक शास्त्र वेत्ताओं का भी अनेक प्रकार के भगवत बहिर्मुख साधनों के विषय में वृथा वाद विवाद समाप्त नहीं होता, जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रिय भक्तजनों का दर्शन प्राप्त नहीं होता। श्री चैतन्य चरण कमल चंचरिक प्रिय भक्तजनों के दर्शन, उनके चरितामृत पान गुणगान का सौभाग्य प्राप्त होने पर ब्रह्म कथा, मोक्ष पद, लोक वेद मर्यादाएं, साध्य साधन विषयक वाद विवाद आदि समस्त समाप्त हो जाते हैं एवं साधक विशुद्ध भक्ति पूर्वक परमोपास्य तत्व परब्रह्म श्री भगवान की सेवा प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। परब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वयं भगवान श्री वृंदावन विहारी रस स्वरूप हैं। रसो वे सह रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। जो आस्वादनीय है वह रस है एवं रसयति अर्थात आस्वादयति इति रसः। जो आस्वादन करता है वह रस है। अतः भगवान श्री व्रजेंद्र नंदन सर्वविध पूर्ण आत्माराम
एवं आप्त काम होते हुए भी निखिल रस वैचित्री के आस्वादन को प्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं, यह उनका स्वरूपगत धर्म है। पूज्य पिताश्री आगे लिखते हैं, रसिक चूड़ामणि स्वयं भगवान की रसास्वादन लालसा को पूर्ण करने में समर्थ है, एकमात्र उनकी आह्लादनी प्रधान स्वरूप शक्ति। वह पूर्ण आनंद रूपा एवं परम आस्वाद्य है। आह्लादनी शक्ति जहाँ जितनी अधिक वैचित्री धारण करती है, वहाँ उसकी आस्वादन चमत्कारिकता उतनी अधिक अभिव्यक्त होती है। रस स्वरूप स्वयं भगवान में अवस्थित रहकर वह स्वरूप शक्ति सर्वातिशायी आस्वादन चमत्कारिकता धारण नहीं कर पाती। वह अपनी सर्वानंद तिशायनी वृत्ति विशेष प्रेम भक्ति रूप में जब भक्त परिकरों के हृदय में आविर्भूत होती है, तब उनकी बलवती उत्कंठामयी सेवा वासना से अभिषिक्त होकर सर्वातिशायी आस्वादन चमत्कारिकता परिवेषण करती है। यहाँ तक कि उस वैचित्र्यमय रसास्वादन में रस स्वरूप श्री भगवान भी स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। वायु का गुण है शब्द। मुख की वायु अनेक प्रकार की लहरियों से युक्त होकर मुख से बाहर अनेक प्रकार के मधुर शब्दों में अभिव्यक्त होती है। जब वही मुख की वायु फूंक रूप में वंशी के रंध्रों में से होकर बाहर आती है, तो वह एक ऐसी मधुरतम स्वर लहरी प्रकटित करती है कि न केवल उसे सुनने वाला अपितु वंशी बजाने वाला भी मुग्ध हो जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान में अवस्थित स्वरूप शक्ति आह्लादनी उतनी आस्वादन वैचित्री प्रकाशित नहीं कर पाती जितनी वह भक्तों के हृदय की अनेक विध सेवा वासनाओं से परिसंचित होकर अनिवर्चनीय आस्वादन चमत्कारिकता प्रसारित करती है। यही कारण है कि रसिक शेखर स्वयं भगवान मूर्तिमान रसराज भी महाभाव की ओढ़नी ओढ़ कर भक्त वेश धारण कर श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आविर्भूत होते हैं। इससे बढ़कर भक्त तत्व का और क्या महत्व हो सकता है कि आह्लादिनी शक्ति की मूर्त विग्रह श्री राधिका की परम चरम चरमत उन्नत परिधि मादनाख्य महाभावमयी रस वैचित्री का सर्वविध अशेष विशेष आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान भी भक्त रूप में अवतीर्ण होते हैं। प्रस्तुत इस संकलन में व्रज के संत नामक इस संकलन में भक्त रूप में अवतरित स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के उन समस्त भक्त रत्नों को एकत्र किया गया है जिनको उन्होंने करुणा कर अनपचरी चिरात उन्नतोज्वल रसमयी भक्ति संपत्ति प्रदान की, जिन्हें वैराग्य विद्या की शिक्षा देकर अपने सर्वोत्कर्षमय भक्ति योग का स्वयं आचरण कर मधुर पाठ पढ़ाया। इन समस्त भक्तों को ऐश्वर्य ज्ञानहीन स्वसुख गंधलेश शून्य कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी विशुद्ध माधुर्य मंडित रस वैचित्री की अनुपम परिवेक्षण परिपाटी की अर्थात रागानुगा भक्ति मार्ग की दिशा प्रदान की, जहाँ पूर्ण काम पर ब्रह्म रस स्वरूप श्री भगवान मनसानंद के स्वादन में चमत्कृत हो उठते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। इस ग्रंथ में हम उन भक्तों के आदर्श में चरितामृत का आस्वादन करेंगे जिनके संबंध में
इस ग्रंथ में उल्लेख है। श्री भगवान की भक्ति या आराधना के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जितने अंग वर्णन किए गए हैं प्रायः उतने अंग भक्तों की भक्ति या आराधना के विद्वान जन मानते हैं। तात्पर्य यह है कि इस संकलन में उल्लेखित समस्त भक्त श्री भगवान तुल्य श्रवणीय कीर्तनीय एवं स्मरणीय हैं, आराध्य हैं। आगे पिताश्री लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि वर्णित आदर्श भक्तों की चरित्र सुधा से साधक अपनी साधना बेली को सिंचित कर पुष्ट एवं प्रफुल्लित करेंगे। मैं इसी में ही अपने को कृतार्थ मानूंगा। तो आइए आज इस ग्रंथ का पाठन प्रारंभ कर रहे हैं। अगले वॉइस नोट में हम श्रवण करेंगे श्री हरिदास जी का चरित्र। पाठन के अंतर्गत पाठन में उच्चारण में शब्द उच्चारण में इस किंकरी से किसी भी प्रकार की भूल होती है तो उसके लिए अग्रिम क्षमा याचना। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे। भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। जय निताई।